After Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma confirmed that former Jharkhand CM Champai Suren will join the BJP on Friday, August 30, JMM leader Manoj Pandey said on Tuesday that history has proven that those who have left JMM and joined some other party have now been not been given that respect. He said it hurts, but now the situation is clear. He will be joining another party. What impact it will have, time will tell. Till the time Champai Suren is in JMM party, he had his stature and importance. But as soon as he leaves, people will also leave him. Earlier, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma posted on X and said that Champai will join the BJP on August 30 in Ranchi. On Monday, Champai Suren hinted at forming a new party after Suren took to social media to voice his grievances, stating that he had been insulted during his tenure as Chief Minister and that all options remain open ahead of the forthcoming Jharkhand Assembly elections. As the political climate in Jharkhand intensified, all eyes were on Champai Suren and his next move, with significant implications for the upcoming state elections. Assembly elections are going to be held in Jharkhand this year in 2024, and the BJP has fully prepared to corner the government. दुख तो होता है, लेकिन अब तो स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं। वो दूसरे दल में जा रहे हैं। अब दूसरे दल में जाने का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये समय पर छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है इतिहास गवाह है, जो भी मुख्य धारा से छोड़ के गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उन्हें वो तवज्जो, वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते मिलती है। दूसरी बात, इस बात का भी सुकून मिलता है कि मैं उस पार्टी का सिपाही हूं जिस पार्टी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, मिस कॉल वाली पार्टी, उनका वजूद भी टिका हुआ है हमारे नेताओं के भरोसे। लोकसभा में सीता सोरेन जी को ले जाओ, टिकट वाले कोई वहाँ कोई उम्मीदवार नहीं था, उनको टिकट दे दिया गया। अभी चंपाई सोरेन जी, इनके पास कोई चेहरा नहीं है, और उस स्कैरसिटी में अब हमारे नेता, चलिए उतना कद्दावर तो उनके उन लोगों के नज़र में है चंपाईदा। साथ ही इसका क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, लोकतंत्र में वो जनता पर डिपेंड करता है, जनता कितना सारा आँखों पर बिठाती है। चंपाईदा जब तक हमारी पार्टी में है तब तक उनका एक कद है, उनके कद्रदान हैं, और उनकी एक अलग अहमियत है, कुल्हान में वो प्रासंगिक हैं। और मुझे लगता है चंपाईदा भी एक स्तर को मेंटेन करेंगे, वो भी वैसे हल्के व्यक्ति नहीं है, वो भी हल्की बातें नहीं करेंगे, अमर्यादित बातें न करेंगे। और उन्होंने तो कहा है कि हमारे द्वारा सींची हुई पार्टी, बढ़ाई हुई पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इस पार्टी का मैं अहित नहीं करूँगा। तो मुझे लगता है उसी सोच के तहत वो अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग के लिए तो सुकून की बात है। तो ये विधानसभा चुनाव बिल्कुल निकट, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये मुझे लगता है भविष्य के गर्त में है। ये लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता आपको कितना सराखों पर बिठाती है, आपके किसी निर्णय की सराहना होती है या भत्सना होती है, ये समय बताएगा। परंतु इतिहास को अगर उठाकर हम देखें तो हमारी पार्टी को छोड़कर जाने वाले कई एक बड़े नेता जो मुख्य धारा से हट गए, पार्टी को छोड़ दिया, उनका वजूद समाप्त की ओर चला गया, या फिर वो वापस लौट के हमारी पार्टी में आए। तो मुझे लगता है कि हम चंपाईदा निशंदे कद्दावर नेता है, लेकिन मेरा मानना है जब तक हमारी पार्टी में है तब तक, भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनको न पार्टी उतना तवज्जो देगी और जनता कितना सारा खोपर बिठाएगी, ये जनता पर छोड़ा।